दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हमारे सामने है हुंडई की मोस्ट डिमांडेड हैचबैक हुंडई ग्रैंड आई10 न्यूज। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले इस कार के फीचर, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स, प्राइजेस और मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के बारे में। कार के सभी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। ये कार अवेलेबल है पेट्रोल और सीएनजी में। इसके साथ ये कार आती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। ग्रैंड आई10 न्यूज अवेलेबल है 16 वेरियंट्स में। बेस वेरिएंट है ग्रैंड आई10 न्यूज इरा 1.2 कप्पा। बेस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 5.92 लाख रुपीज। दोस्तों इस लाइनअप का टॉप वेरिएंट है हुंडई ग्रैंड आई10 न्यूज अस्टा 1.2 कप्पा एएमटी। टॉप वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 8.56 लाख रुपीज। ये कार अवेलेबल है 9 कलर ऑप्शंस में। स्क्रीन के ऊपर हम इसका पोलर व्हाइट कलर देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव लगता है। ये कार कई सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ लोडेड आती है, जैसे कि 6 एयरबैग्स, टीपीएमएस, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, स्क्रीन डिस्प्ले। दोस्तों आज हमारे सामने हुंडई ग्रैंड आई10 न्यूज स्पोर्ट्स 1.2 कप्पा। इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 7.36 लाख रुपीज। कार के फ्रंट लुक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। फ्रंट में हुंडई का लोगो, पियानो ब्लैक कलर में ग्रिल मिलता है। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ कार आती है। टेल लाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स एलईडी मिलती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग और टायर्स के बारे में। 15 इंच के हाइपर स्टाइलस स्टील रिम्स के साथ कार आती है। फ्रंट और रियर टायर के साइज है 175/60 R15 के। स्क्रीन के ऊपर टायर साइज हम देख रहे हैं। फ्रंट में मिलता है मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन। रियर में मिलता है कपल टॉर्शन बीम एक्सले सस्पेंशन। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। कार की साइड प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव लगती है। ओआरवीएम बॉडी कर्ड मिलते हैं। ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कर्ड मिलते हैं। कार के ड्यूल टोन इंटीरियर हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कार के ड्यूल टोन इंटीरियर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग के साथ ये कार आती है। डोर के इंटरनल डिजाइंस, इंटरनल डोर हैंडल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रेसेबल ओवरवियम्स, लॉक ऑन लॉक का बटन, विंडोज के कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। डोर के ऊपर लेदर फिनिश और फैब्रिक फिनिश नहीं मिलता है। बॉटल होल्डर, कीज की डिजाइन हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कीज के ऊपर लॉक ऑन लॉक का होल्ड का बटन मिलता है। लाइट के कंट्रोल्स, एसी वेंट्स की डिजाइन, ट्रैक्शन का स्विच, हेडलाइट हेड एडजस्टर, स्टीयरिंग के ऊपर हुंडई का लोगो मिलता है। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। डिजिटल अनलॉक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ये कार आती है। इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप के साथ ट्रिप मीटर मिलता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इस कार मिलती है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एमटी आपको इस कार मिलता है। यूजर सेटिंग हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फ्यूल इकोनॉमी, टीपीएमएस, डिजिटल क्लॉक के साथ ये कार आती है। लो लेवल फ्यूल वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस मिलता है। मोड का बटन, वॉइस असिस्टेंस, वॉल्यूम का बटन, बहुत सारे कंट्रोल स्टीयरिंग के ऊपर मिलते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर हुंडई का लोगो, मेन्यू का बटन, क्रूज कंट्रोल के साथ ये कार आती है। ओके का बटन, कैंसिल का बटन, बहुत सारे कंट्रोल स्टीयरिंग के ऊपर मिलते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट वाली मिलती है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको इस वेरियंट में नहीं मिलती है। स्टीयरिंग के ऊपर सिल्वर एलिमेंट मिलता है। स्टीयरिंग के राइट साइड को लाइट के कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड को वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। आपको इस कार मिलता है 8 इंच का बहुत ही बढ़िया टच स्क्रीन डिस्प्ले जो आता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। इंटीग्रेटेड इंडस म्यूजिक सिस्टम के साथ 4 स्पीकर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ ये कार आती है। आपको इस कार में वॉइस कमांड, ब्लूटूथ, ऑक्सिलरी यूएसबी कॉम्पेटिबिलिटी मिलती है। AM/FM रेडियो मिलता है। डिस्प्ले की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। वॉल्यूम का नॉब, ट्यून का नॉब हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बहुत सारे कंट्रोल्स डिस्प्ले के अराउंड मिलते हैं। हजार लाइट का बटन, एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर मिलता है। एयर कंडीशनर के कंट्रोल्स, फैन के कंट्रोल, ऑटो का बटन, टेम्परेचर कंट्रोल का नॉब, एसी ऑफ का बटन, बहुत सारे कंट्रोल सबको यहाँ पर मिलते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, सी टाइप और यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। मोबाइल रखने के लिए जगह, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडेंस की फंक्शनिंग देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और यूजफुल फीचर है। नए ड्राइवर को यह काफी हेल्प करता है। बहुत ही बढ़िया व्यू आपको इस फीचर में मिलता है। ट्विन कप होल्डर, मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक, रियर एसी वेंट्स। आपको इस कार में लेदर और फैब्रिक्स के सीट मिलते हैं। काफी कंफर्टेबल सीटिंग के साथ ये कार आती है। फ्रंट में फिक्स हेडरेस्ट,
नियोस की बैजिंग सीट के ऊपर मिलती है, रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह, कार की फ्यूटर फिनिश बहुत ही बढ़िया है, मोबाइल रखने के लिए जगह आपको यहाँ पर मिलती है, ग्लो बॉक्स में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। को पैसेंजर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर मिलता है, मैनुअल आयर वीएम्स के साथ एक कार आती है। ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर आपको टिकट होल्डर मिलता है। डैशबोर्ड की डिजाइन हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे, काफी अट्रैक्टिव इंटीरियर आपको इस कार में मिलते हैं। सिक्स वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और फोर वे मैनुअली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट के साथ ही कार आती है। कार के सीट्स लेदर्स और फैब्रिक्स के बने हुए हैं। डैशबोर्ड की डिजाइन, काफी अट्रैक्टिव डैशबोर्ड डिजाइन आपको इस कार मिलती है। दोस्तों अब हम चलने वाली इस कार की रियर सीट्स की ओर। कार की रियर प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर्ड मिलते हैं। कार की रियर सीटिंग हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, काफी कंफर्टेबल सीटिंग के साथ ये कार आती है। डोर की इंटरनल डिजाइंस, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के डैशबोर्ड की डिजाइन देख रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव डैशबोर्ड आपको इस कार में मिलता है। बहुत ही बढ़िया लेग रूम, रियर एसी वेंट्स, फैन के कंट्रोल्स, पेलोड का चार्जिंग सॉकेट नीचे मिलता है, ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह, सीट बेल्ट एंकर पॉइंट्स, काफी कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है। बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको इस कार मिलता है। रियर हेडरेस्ट, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट के साथ एक कार आती है। पार्सल ट्रे, केबिन लाइट्स, रियर सीट टाइप बेंच वाले मिलते हैं। इंटीरियर डुअल टोन में मिलते हैं। रियर सीट हम फुल्ली फोल्ड कर सकते हैं। हेडरेस्ट फ्रंट और रियर में मिलते हैं। फ्रंट में फिक्स और रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। दोस्तों अब हम चलने वाली इस कार के रियर की ओर। देखने वाले रियर लुक्स कैसे लगते हैं, आपको इस कार में कितना बूट स्पेस मिलता है। कार के रियर लुक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के पूरे रियर लुक्स देख रहे हैं। फाइव डोर्स के साथ ये कार आती है। इस कार में 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। एलईडी टेल लाइट्स, हैलोजन टर्न इंडिकेटर, स्पोर्ट्स की बैजिंग, हुंडई का लोगो, नियोस की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ग्रैंड आई10 की बैजिंग, एलईडी टेल लाइट्स, रिफ्लेक्टर, रियर पार्किंग सेंसर्स, नंबर प्लेट के लिए जगह, नंबर प्लेट लाइट्स, ग्राउंड क्लीयरेंस हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एग्जॉस्ट पाइप, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ एक कार आती है। शार्क फिन रूफ माउंटेड एंटीना, ब्लैक कलर में रूफ रेल्स, स्पॉयलर, स्टॉप लाइट्स, गारो हुंडई की बैजिंग, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर आपको इस वेरियंट में नहीं मिलता है। दोस्तों अब हम चलने वाली इस कार के बूट स्पेस की ओर। कार के इंटीरियर हम रियर से देख रहे, काफी अट्रैक्टिव इंटीरियर आपको इस कार में मिलते हैं। पार्सल ट्रे, बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस मिलता है। एडवांस वार्निंग ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ सिटिंग रोज आपको इस कार में 2 मिलते हैं। बूट लाइट, ग्लॉसरी बैग हैंग करने के लिए हुक मिलता है। लॉकिंग के अरेंजमेंट, आपको इस कार में 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। डोर हैंडल, अनलॉक का बटन, लॉकिंग के अरेंजमेंट, डोर सपोर्ट करने के लिए मैकेनिज्म मिलता है। कार की लेंथ है 3.815 मीटर, विड्थ है 1.68 मीटर, हाइट है 1.52 मीटर, व्हील बेस है 2.45 मीटर। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में। एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये कार आती है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको इस कार में मिलती है। बोनेट ओपन करने के लिए लीवर, फ्यूल लिड ओपनर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम के साथ ये कार आती है। दोस्तों अब हम चलने वाली इस कार के फ्रंट की ओर। ORVM माउंटेड टर्न इंडिकेटर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स और टेल लाइट्स LED मिलती है। फ्रंट में हुंडई का लोगो, पियानो ब्लैक कलर में, ग्रिल काफी अट्रैक्टिव लगता है। इंजन इमोबिलाइजर के साथ ये कार आती है। सेंट्रल लॉकिंग रिमोट मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको इस कार मिलता है। दोस्तों हम चलने वाले इस कार के इंजन और ट्रांसमिशन की ओर। आपको इस कार मिलता है 1197 cc का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व DOSC 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन। फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ये कार आती है। ब्रेक ऑयल टैंक, कूलन टैंक, वाइपर वाटर फिल करने की जगह, इंजन ऑयल टैंक, इंजन ऑयल चेकर, लॉकिंग के अरेंजमेंट, बैटरी की पोजीशन, रेडिएटर। ये कार प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम पावर ऑफ 82 bhp और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 114 न्यूटन मीटर। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये कार आती है। आपको इस कार में BS6 Phase 2 के अनुसार इमिशन स्टैंडर्ड मिलते हैं।
दोस्तों, हम बात करने वाली इस कार के सेफ्टी के बारे में। ओवर स्पीड वार्निंग आपको इस कार में मिलती है। 2-स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ ये कार आती है। स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलते हैं। रियर मिडल 3-पॉइंट सीट बेल्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग के साथ ये कार आती है। 3 साल की 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आपको इस कार में मिलती है। अट्रैक्टिव लुक्स और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आने वाली ये कार आपको बहुत पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स अमरदीप भोसले सर, ऑल द स्टाफ ऑफ गार्वे हुंडई एंड गार्वे ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गार्वे हुंडई नवले ब्रिज पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की हुंडई कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।